बात नहीं करने आया हूँ। मैंने देखा ये पहली बार ऐसा बजट हुआ है जिसमें ये देश को बांटा नहीं गया। देश के लिए रेलवे बजट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देता हुआ बजट है। सामान्य नागरिक को जो ऑन रिजर्व जाने वाले उसकी चिंता की गई है। अपने देश का सबसे आदमी तक एलिवेटेड रेलवे, ये भी एक नया प्रोविजन किया है। दो रेलवे कॉरिडोर दिया है, वहाँ की जो सबर्बन रेलवे है उसका बहुत महत्व है देश में, मगर उससे भी ज़्यादा ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने वाला। लेकिन सर अभी ये सामने आती रही हैं परेशानियाँ कि कोहरे को देखते हुए रेलगाड़ियों का जाम कर देना, बंद कर देना, सवारियों के लिए दिक्कतें आना, इसके लिए क्या सुविधा रखी गई आगे? अब देखो वो तो कोहरा, मैं मुंबई से आता हूँ, ये विषय में मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैंने प्रवास भी नहीं किया तो उसके बारे में नहीं बोल सकूंगा। मगर इतना आपको जरूर कहूंगा कि ये बजट सुरेश प्रभु जी का जो मंत्रालय है, मैंने सुरेश प्रभु जी को पिछले 25 साल से काम करते देखा है। वो जो भी चीज सोचते हैं और सारी रेलवे के बारे में ईमानदारी से उन्होंने आज बजट पेश किया।